विजय तिलक पर हम लगातार आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए कि इन 10 जिलों पे क्या कंडीशन है वोटिंग प्रतिशत से लगाए वहां के लोगों की राय या बातचीत। सपा से बस्ती सदर से विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं महेंद्र नाथ यादव, इनका जोश हाई दिखाई दे रहा है। महेंद्र नाथ यादव का कहना है कि अखिलेश यादव के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में वो अव्वल भी साबित होंगे। साथ ही महेंद्र नाथ पांडे ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कहते हैं कि सरकार बनेगी और उन्हीं की बनेगी। बस्ती सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं महेंद्र नाथ यादव, हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महेंद्र जी, चुनाव किस तरीके का चल रहा है और क्या दिख रहा है आपको? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, जनता में बड़ा उत्साह है, लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा हो और वो समय आ गया हो, वो घड़ी आ गया हो, इस तरीके से जनता में उत्साह है। उत्साह आपके लिए है या आपके विपक्षियों के लिए है? अब आप पत्रकार साथी हैं, अब पूरा प्रदेश घूम रहे हैं आप और दिखा भी रहे हैं। पहले तो बधाई दूंगा आपके चैनल को, लगातार आप लोग जनता के बीच में हैं, जनता की आवाज़ को दिखा रहे हैं, आज भी सुबह से दिखा रहे हैं। जनता किस चीज़ को ये मांग कर रही है, कौन से मुद्दों को लेकर के जा रही है मतदान केंद्र? देखिए भैया, जनता रोजगार मांग रही है, शिक्षा मांग रही है, स्वास्थ्य मांग रही है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं। बहुत परेशान है जनता, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और आज समाज का हर वर्ग, अगड़ा पिछड़ा दलित माइनॉरिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, समाज का हर वर्ग उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। सुबह से बूथ पर घूम घूम के महेंद्र नाथ यादव थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के चेहरे पर जनता बाहर निकल रही है, वोट दे रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीतने की बात भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो पास नहीं होंगे अव्वल आएंगे। बस्ती से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का दावा आपने सुना, वहीं गोरखपुर में 9 सीटों पर वोटिंग जारी है और इस वोटिंग के बीच गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर में उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। रवि किशन का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। रवि किशन भी गोरखपुर में लगातार मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि वो वोटर मुंबई के हैं, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के लिए आप एक तरह से कैंपेन कर रहे हैं। सर, इस बार क्या माहौल है? ऐतिहासिक माहौल है। देखिए, पहले वोटर साइलेंट था, इस बार का भारतीय जनता पार्टी का, मोदी योगी जी की सरकार का वोटर इंतजार कर रहा था आज के दिन का, आज उसके लिए उत्सव है। 5 साल में जो 70 साल में नहीं पाया, जो 5 साल में पाया था उसका ऋण चुकाने, वो अनाज जो मुफ्त में उसको 18 महीने से मिला उसका ऋण चुकाने, वो कर्ज चुकाने आज वो छाती ठोक के बाहर निकला है और ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ता ही जा रहा लगातार। पूर्वांचल की वोटिंग एक आज इतिहास, आज एक रिकॉर्ड कायम करेगी। इस बार मुद्दा क्या है वोटिंग का, विकास है या 80 बनाम 20? सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ कभी थी ही नहीं, मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, गोरखपुर एक ज्ञान का केंद्र बना है, तो सुरक्षा, हेल्थ व्यवस्था और एजुकेशन सिस्टम ये रहा। सड़क, बिजली, पानी, अनाज, मुफ्त अनाज को कोरोना में विरोधी नहीं थे हम लोग, कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी के खड़े थे, वो सब है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हम लोगों को 300 का आंकड़ा पार करवा रहा है वो सुरक्षा व्यवस्था, जो 70 साल तक यहाँ नहीं थी। हर माँ बहन बेटी परिवार यही चाहता है कि ऐसी सरकार में रहें जहाँ हम लोग सुरक्षित रहें, जहाँ पे दंगाई ना रहें, जिन्नावादी सोच ना रहे, अलगाववादी बातें ना रहें। हिंदू भी यहाँ, मुसलमान भी यहाँ रहता है। अभी यहाँ तो 2017 से कोई दंगा नहीं हुआ। पहले अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ठंडे पड़ गए हैं, कहाँ देख 5 चरण के पूरा गर्म पूरा ऐसा गर्मा है कि 10 मार्च के पूरा उबाल इसे उछली। क्या बात कर रहे हैं, ठंडे नहीं पड़े हैं तो अपने अंदाज में अगर कुछ सुना दे आप लोगों को, क्योंकि आपसे लोग उम्मीद कर रहे हैं। भैया 22 के खाइश छोड़ द बबुआ फगुआ, अखिलेश बाबू अरे ढूंढा दोसर काम, जनता के मन भाग गइल बा अरे योगी जी के काम। कहे कि भैया हो, रवि किशन ईबे
ईबेर ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा यूपी में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। अरे रणवीर बाबू एक तो सुन ला जो पूरा देश आज सुना था कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और मई और जून के गर्मी में जे शिमला नियन बर्फ जमा दे इसको योगी आदित्यनाथ।